हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में दे मोनिटर। आज की बिना समय बर्बाद किए चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की ओर। आज की जो न्यू वैकेंसी आई है वो हेड क्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट इंडियन कोस्ट गार्ड के अंडर में आई है। इसमें टोटल वैकेंसीज 96 है और इसमें माध्यमिक और 12th पास स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। पहली वैकेंसी जो है वो है इंजन ड्राइवर जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गजेटेड एंड नॉन मिनिस्टीरियल। इसमें टोटल वैकेंसी 5 है, एससी के लिए, एसटी के लिए एक वैकेंसी है, ओबीसी के लिए एक और जनरल के लिए 3। इसमें जो माध्यमिक पास आउट है और उसके साथ साथ जिनके पास इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट है एज ए सेरेंग ऑपरेटर वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी जो है वो सरांग लास्कर की, इसमें भी मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए और इसके अंडर भी 2 वैकेंसी है, जो सरांग सर्टिफिकेट होल्डर है वही अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे हैं फायर इंजन ड्राइवर, इसमें आपके पास माध्यमिक पास आउट होने चाहिए, साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए और साथ साथ 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथी वैकेंसी है फायरमैन, इस वैकेंसी में माध्यमिक और HS पास दोनों स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टोटल वैकेंसी 53 है, जिसमें दमन रीजन में 24 है और रत्नागिरी में 29। दमन रीजन में SC की 4 वैकेंसी, ST की 2, OBC की 5, EWS कैंडिडेट की 3 वैकेंसी और जनरल के 10 वैकेंसीज हैं। और रत्नागिरी में 29 है, जिसमें SC की 4 हैं, ST की 2 है, OBC की 7 है, EWS के 2 हैं, जनरल के 14 वैकेंसीज हैं। इसमें आपको माध्यमिक पास होने चाहिए और आप फिजिकली फिट होने चाहिए, आपकी एज 18 से 27 वर्ष की उम्र के अंदर में होनी चाहिए। यदि आप SC ST OBC कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो SC ST को 5 ईयर्स और OBC को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको फिज़िकल फिटनेस पास करना पड़ेगा, जिसमें आपकी मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और यदि आप शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपको 2.5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा। इसके बाद आपका एंड्योरेंस टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको एक व्यक्ति जिनका वज़न 63.5 kgs है उसको आपको कैरी करके डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर आपको 96 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ आपको 2.7 मीटर चौड़े खाई को 2 फीट दोनों पैरों की सहायता से आपको लॉन्ग जंप क्लियर करना है और 3 मीटर वर्टिकल रोप को आपको चलकर पार करना है। ये आपका टोटल फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के अंडर में आएगा। तीसरी वैकेंसी, इसके बाद जो वैकेंसी है, अगली वैकेंसी, उसका नाम है सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। इसमें टोटल 21 वैकेंसी है, अगर आपके पास माध्यमिक पास आउट है और साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है LMV और HMV तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल आपको 11 वैकेंसी है, मुंबई में 2, रत्नगिरी में 1, कावारत्ती में 2, दमन में 6, ST की 2 वैकेंसी, EWS कैंडिडेट की 1, OBC की 2, SC की 3, जनरल की 3 वैकेंसीज हैं। मोटर ट्रांसपोर्ट फिटर, इसमें जो भी मैट्रिकुलेशन के साथ साथ ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और साथ साथ ITI होल्डर हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसीज 5 है। अगली वैकेंसी स्टोर कीपर ग्रेड 2 की है, ये आप इसमें 12 पास होने के साथ साथ यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर किसी में भी आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है एज ए स्टोर कीपर तो ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसमें टोटल वैकेंसी 3 है, SC की 1 है, जनरल की 2 है। इसमें आपकी उम्र 18 से 25 वर्ष की उम्र के अंदर होनी चाहिए। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपकी एज 40 वर्ष तक भी काउंट, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है स्प्रे पेंटर, इसमें टोटल 1 वैकेंसी है रत्नागिरी के अंडर में, माध्यमिक पास है और साथ साथ अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अप्रेंटिसशिप किए हैं तो ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है मोटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिक, इसमें 1 वैकेंसी है, जिसमें मैट्रिकुलेशन होने के साथ साथ आप ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में 1 वर्ष का एक्सपीरियंस है या फिर आपके पास ITI है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी जो है वो है लास्कर की, इसमें टोटल 5 वैकेंसी है, OBC की 3, जनरल की 1, SC की 1। इसमें जो माध्यमिक पास है साथ साथ आपको एज ए लास्कर 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, माध्यमिक पास होने के साथ साथ। इसमें आपको उम्र 18 से 30 ईयर्स दी गई है। अगली वैकेंसी जो है मल्टी टास्किंग स्टाफ प्यून, इसकी 3 वैकेंसी है, जनरल की 2, OBC की 1, रत्नागिरी में 2 है, गोवा की 1। सैलरी रेंज है इसमें 5,200 से 20,200 प्लस GP ग्रेड पे है आपका 1,800।
मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एज ऑफिस अटेंडेंट। आप माध्यमिक पास होने चाहिए, साथ साथ आपको 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस अटेंडेंट का, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी उम्र है 18 to 27 ईयर्स, 18 से 27 वर्ष के बीच में आपकी होनी चाहिए। अगली जो वैकेंसी है वो है अनस्किल्ड लेबरर की, इसमें 1 वैकेंसी है। इसके लिए आप मैट्रिकुलेशन पास और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। यदि आप माध्यमिक पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप ITI भी कम्प्लीटेड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको 3 ईयर एक्सपीरियंस अनस्किल्ड लेबर के ट्रेड में दिखाना होगा। इसके लिए आपकी उम्र है 18 से 27 वर्ष। आप इसमें देख सकते हैं कि आपको जो भी है, नो एज एंड अदर रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू SC ST OBC EWS कैंडिडेट फॉर द पोस्ट अनमार्क फॉर जनरल कैटेगरी। इसका मतलब है कि यदि आपका वैकेंसी SC ST की रिजर्व है तो ही आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। अगर SC ST का कोई वैकेंसी नहीं है तो आपको एज ए जनरल कैटेगरी माना जाएगा और आपको उसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की 31 जनवरी 2022 तक, और उसी समय तक आपकी एज को काउंट किया जाएगा, उस डेट तक ही आपकी एज को काउंट की जाएगी। जो भी लोग मुंबई और मुराद जंजीरा में अप्लाई करेंगे उनको इस एड्रेस पर बाई पोस्ट भेजना होगा, द कमांडर नंबर 2 कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स वर्ली सी फेस PO वर्ली कॉलोनी मुंबई 400030। और जो फॉर द पोस्ट एट रत्नागिरी के लिए अप्लाई करेंगे वो इस एड्रेस पर भेजेंगे, द कमांडिंग ऑफिसर CGS रत्नागिरी CO IGICGS रत्नागिरी एयरपोर्ट बिल्डिंग MIDC एरिया रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट 415639 महाराष्ट्र। जो फॉर द पोस्ट ऑफ यूनिट्स कोची के लिए अप्लाई करेंगे वो इस एड्रेस पर भेजेंगे, द कमांडर नंबर 4 कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट केरला एंड माहे केलवेथी पोर्ट फोर्ट कोची 68201। जो फॉर द पोस्ट ऑफ यूनिट एट गोवा में अप्लाई करेंगे उनको इस एड्रेस पर भेजना होगा, द कमांडर नंबर 11 कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स गोवा 4th फ्लोर MPT ओल्ड एडमिन ब्लॉक मोरमिगाव हार्बर गोवा 403803। फॉर द पोस्ट इन यूनिट्स एट कावारती, जो कावारती के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें इस एड्रेस पर भेजना होगा, द कमांडर नंबर 12 कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट कावारती कावारती आइसलैंड UT ऑफ लक्षद्वीप 68255। फॉर द पोस्ट एट दमन, जो दमन रीजन में अप्लाई करेंगे वो द कमांडिंग ऑफिसर कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन दमन नानी दमन दमन 396210। याद रखें जो फॉर्म अप्लाई किस तरीके से आपको करना है, अब उस प्रोसेस के ऊपर ध्यान देते हैं। आप जब भी इसको अप्लाई करेंगे आप ऑर्डिनरी पोस्ट से ही अप्लाई कर सकते हैं, साथ साथ आप इनवेलप के ऊपर में आपको साफ साफ लिखना, इनवेलप जो है उसमें आपको साफ साफ लिखना होगा ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर साथ साथ ये भी दिखाया गया है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, एज प्रूफ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर बोथ हेवी एंड लाइट, ट्रेड सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड, सर्टिफिकेट ऑफ EWS OBC SC ST एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी should be enclosed with the application. Proforma with regard to economically weaker sections is pasted in annex 2. Candidate in central government service should submit NOC from their present employer along with application. Crucial date of exhaustion of his limit will be the last date of receiving applications. इसमें जो जो जिस वैकेंसीज के लिए अलग अलग अप्लाई करेंगे उनको उनका एज ए सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस लेटर देना होगा, साथ साथ SC ST OBC है उनको अपना सर्टिफिकेट शो करना होगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो प्रोफार्मा दिया गया है इसके लास्ट में वो आपको सबमिट करना होगा, और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो उनके अपने डिपार्टमेंट से NOC भी देना होगा। उसके बाद अगला जो है, आपको पहले क्या होगा इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सबसे पहले आपको एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ट्रेड या स्किल टेस्ट होगा। एग्ज़ाम में आपको 45-50% एज ए जनरल कैंडिडेट और 45% SC ST कैंडिडेट को क्वालिफाई करने में आप क्वालिफाई करेंगे आप उतने परसेंटेज से। उसके बाद आपका ट्रेड या स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद ये रहा आपको प्रोफॉर्मा फॉर्म को भरने का एनेक्सर 1 जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे,
इस तरीके से प्रोफॉर्मा आप निकाल सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आपको प्रोफॉर्मा देना होगा, जो ईडब्ल्यूएस के लिए, अगेंस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को, मतलब इस फॉर्म को किस तरीके से ऑफलाइन अप्लाई किया जाए, उसका टोटल प्रोसेस दिखाया जाए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ी सी भी जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।